जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, जो कृषि कानून बने हैं, तीनों कानून किसानों के हक में है। समय समय पर हमारी सरकार, हमारे केंद्र का नेतृत्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के कृषि मंत्री इस बात को कह रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इन कृषि कानूनों से किसी प्रकार का नुकसान भी किसानों का नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और कमेटी को शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मैं कहना चाहूँगा किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि कानूनों में कहीं किसी प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता है, उनको अपना परामर्श देना चाहिए और संघर्ष का रास्ता छोड़ना चाहिए। किसान हमारे देश की आन है, हमारे देश की शान है, और उनको जिस प्रकार से किसान देश की उन्नति में लगातार उनका सहयोग मिला है, आगे भी इसी प्रकार से उनका सहयोग मिलता है। आप किसान बाहुल्य इलाके से आते हैं और किसान परिवार से भी हैं, तो आपका क्या किसानों को संदेश रहेगा और भाजपा कैसे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएगी किसान? ये जहाँ तक कृषि कानूनों को लेकर हमारा किसान मोर्चा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जो कृषि कानून हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कहीं पर भी किसी प्रकार का संघर्ष देखने को नहीं मिला है, लेकिन पंजाब में और कुछ अन्य राज्यों में थोड़ा बहुत इनका विरोध हो रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको संघर्ष का रास्ता छोड़कर हमें जिस प्रकार से जो कृषि कानून है उनका समर्थन करते हुए जहाँ पर भी सुधारों की गुंजाइश है, वहाँ सुधारों की उसके लिए परामर्श देना चाहिए और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है।